नमस्कार, आज हम बात करेंगे एडवेंचर टूरिज्म इन उत्तराखंड। उत्तराखंड पर्यटन में नए नए आयाम स्थापित करता जा रहा है। बहुत अच्छी सड़कें, मेहनती युवा और कुछ नया करने का जुनून उत्तराखंड वासियों को पर्यटन व होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में यूरोप के समकक्ष खड़ा कर रहा है। हमारे वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी ने नई पहल करते हुए चंबा मसूरी रोड पर कौड़िया के घने देवदार के खूबसूरत जंगलों में माउंटेन बाइकिंग का रोमांच एडवेंचर टूरिस्ट के लिए शुरू करवाया है। जिस तरीके से उत्तराखंड गवर्नमेंट फॉरेस्ट और इको टूरिज्म का इंटीग्रेशन पिछले कुछ समय से कर रही है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि उत्तराखंड का लगभग 75% पार्ट फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है और इन फॉरेस्ट को इको टूरिज्म के लिए खोल देने का मतलब है पर्यटकों को खूबसूरत नई इको टूरिज्म डेस्टिनेशंस देना और लोकल यूथ को एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देना। इसके लिए वन मंत्री सुबोध उनियाल जी हार्दिक बधाई के पात्र हैं। उन्होंने 6 किलोमीटर लंबे ट्रैक की शुरुआत करते हुए खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और बताया कि उत्तराखंड एडवेंचर स्पोर्ट्स में नंबर 1 बनकर रहेगा और वन विभाग यहाँ पर्यटकों को पूरी सुविधाएँ प्रदान करवाएगा। अभी तक कानाताल और धनौल्टी की सैर पर आने वाले पर्यटकों के लिए कौड़िया में जंगल सफारी की ही सुविधा थी, लेकिन अब एडवेंचर के शौकीनों को माउंटेन बाइकिंग की फैसिलिटी भी मिलेगी। यहाँ पर अभी 2 नए ट्रैक बनाए गए हैं। 6 किलोमीटर के ट्रैक के लिए जो फीस रखी गई है वो 600 रुपये है और दूसरा ट्रैक 1.5 किलोमीटर का है जिसके लिए जो चार्जेज हैं वो 300 रुपये हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर 12 हाई क्वालिटी माउंटेन बाइक्स भी रखी हैं और यह पर्यटकों को मसूरी से चंबा धनौल्टी की तरफ में आकर्षित कर रहा है। इससे एक जो बहुत बड़ा बेनिफिट है वो ये भी है कि मसूरी में आने वाले पर्यटकों को मसूरी से थोड़ा बाहर निकल के धनौल्टी, चंबा और नई टिहरी की तरफ जाते हुए नए नए टूरिज़्म के एक्सपोजर्स मिलेंगे। और यह जो पूरी बेल्ट डेवलप हो रही है, ये वर्ल्ड क्लास एडवेंचर टूरिज़्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप हो रही है, जिससे कि हमारे उत्तराखंड के कई सारे युवाओं को रोज़गार और स्वरोजगार के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में नई राहें खुलेंगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ उत्तराखंड यूथ फॉर दिस टूरिज़्म डेवलपमेंट इन आवर स्टेट। थैंक यू।